फैमिली कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग पे। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी से रसगुल्ले। तो हमने ले लिया है 1 किलो गाय का दूध और उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब ये देखिए बॉईल हो चुका है। अब इसको हम गैस कर देते हैं बंद और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे करके थोड़ा चलाएंगे ताकि इसकी भाप निकल जाए। अब इसमें आप सिरका ले सकते हैं या ले सकते हैं नींबू का रस। तो मैंने नींबू का रस लिया है, पानी में मिलाकर इसमें डालेंगे जिससे कि हमारा जो फेना है इसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे जिससे हमारा जो फेना है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी से हमारा फेना रेडी हो जाता है। देखिए दूध में अलग अलग, ये देखिए पनीर अलग हो गया है, इसका कोवा अलग हो गया है और पानी सा अलग हो गया है। इस तरीके से हमने अपना कोवा तैयार कर लिया है। अब जल्दी से इसे छान लेते हैं मखमल के कपड़े से। तो हमने इसे जल्दी से फटाफट कर दिया है क्योंकि अब इसका पानी हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं। एक दो बारी से पानी में से धो लेते हैं। ठंडे पानी में से धोकर इसे हम रखेंगे किसी हैवी चीज़ के नीचे कॉटन के कपड़े में ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इस तरीके से हम इसका इसको थोड़ा सा प्रेशर से दबा देते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना बचे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो खोबा है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। अब लेते हैं मिक्सी का जार, जो कि हलवाई जिस तरीके से बनाते हैं हम उसी तरीके से बना रहे हैं। अब मिक्सी जार में इसे थोड़ी देर के लिए एक ही डायरेक्शन में 3-4 बार चला लीजिए तो इससे खोबा अपनी एक्चुअल शेप में आ जाता है जो हमें रसगुल्ले के लिए चाहिए। तो हमारे जो ये देखिए खोवा पीस के तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और अब हल्के हाथ की मदद हथेली की मदद से इसको हम मसल लेंगे ताकि जो इसके अंदर ये जो इस बिल्कुल भी कोई कमी ना रह जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाए। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ताकि ये फूले फूले बने, हमारे रसगुल्ले हैं जो फूले फूले बने और इनसे इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होती है। तो एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तरीके से इसको मिक्स कर लिया। देखिए अभी हमारे अब इसे काट लेते हैं। जिस शेप के हमें रसगुल्ले चाहिए उतने छोटी छोटी से हम लोई बना लेंगे हाथों की हेल्प से। बहुत ही हल्के हाथों से हमें लोई बनानी है और इनमें ताकि कोई फटाफट से हमें बना लेनी है सारी लोइयाँ ताकि ये बीच में से टूटे फूटे नहीं। बहुत ही आसानी से हमें हल्के फुल्के रसगुल्ले बना के तैयार कर लेने हैं। तो 1 किलो दूध में हमारे इतने रसगुल्ले बने। देखिए बहुत ही फूले फूले और बहुत ही अच्छी जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये। अब हम रख देते हैं, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पास से। अब रख देते हैं फ्राई पैन। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी और थोड़ी सी इलायची। इस तरीके से मैंने चढ़ा दिया है। अब जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो हमें एक एक करके अलग अलग अपने रसगुल्ले इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हमें अलग अलग ही ट्रांसफ़र करना है एक एक करके, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और उनमें क्रैक पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके हम अपने जो रसगुल्ले हैं वो इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम में हम इन्हें पकाएंगे और ढक देंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं। देखिए थोड़ा हमारा साइज़ बड़ा हो गया है। तो सभी रसगुल्लों को हमें बार बार पलटते रहना है ताकि ये चारों तरफ से ऊपर नीचे अंदर से हर तरीके से वो पक जाएँ, कहीं से भी वो कच्चे न रह जाएँ। और जितना ये पकेंगे उतना ही ये फूल फूल के और थोड़े बड़े इनका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने सारे रसगुल्लों को पलटते हुए अब इन्हें दोबारा से ढक देते हैं। देखिए जितनी बार हम इन्हें देखेंगे उतनी बार इनका साइज़ बड़ा ही मिलेगा। हमने बहुत ही छोटी छोटी सी रोल्स बनाए थे। देखिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब ये जो हमारा रसगुल्ला है देखिए मैं डाल रही हूँ पानी में तो ये नीचे बैठ रहा है। इसका मतलब जो हमारे जो ये रसगुल्ले हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, स्पंजी बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बने हैं। अगर ये कच्चे होते तो ये ऊपर आ जाते, लेकिन ये बिल्कुल देख रहे हैं आप एक भी ऊपर नहीं आ रहा है, सारे नीचे बैठ रहे हैं। तो हमारे जो स्पंजी रसगुल्ले बहुत ही सही बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इस तरीके से हम सारे रसगुल्ले इसमें ठंडे पानी में निकाल लेते हैं ताकि जो इनकी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाए, हमें इन्हें और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको हाथ की मदद से दिखाती हूँ। देखिए कितने ये स्पंजी बने हैं। हम इन्हें कितना भी वो कर लें, ये देखो हाथ से पानी निकाल रही हूँ, जब हम इन्हें पानी में डालेंगे तो फिर वही शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने हमारे जो रसगुल्ले हैं वो एकदम स्पंजी वाले बने हैं, कहीं से भी देखो दबाने पर भी नहीं टूट रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये सारे जो रसगुल्ले हैं इनका जो ये पानी से निकाल लेते हैं और इनका जो पानी है इनको अच्छी तरीके से निचोड़ के तब हम अलग से एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरीके से सारे को निचोड़ लेते हैं और प्लेट में रख लेते हैं। अब ये जो पानी है इसे हटा देते हैं। सारे रसगुल्ले इसमें बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। ऊपर से डालेंगे इसमें
जो हमने चाशनी रेडी करी है उस चाशनी को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी देर इनको डिप करके रखेंगे क्योंकि अभी हमारी चाशनी गर्म है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद हम इन्हें फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जितनी देर ये इसमें रहेंगे ये फूलते ही रहेंगे। देखिए इनका साइज़ कितना ज़्यादा आपको बड़ा लगेगा, ये देखिए देखिए कितना छोटा साइज़ था और कितना बड़ा, सब देख रहे हैं ना कितने अच्छे से यम्मी हमारे जो स्पंजी रसगुल्ले हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी गाय के दूध से बहुत ही स्पंजी और अच्छे साफ़ सुथरे सफाई से बनाए के रसगुल्ले बनाएँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत हेल्दी रसगुल्ले, स्पंजी रसगुल्ले।